हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेड प्लस वन। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस। गाइस, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक्चुअली हिस्ट्री का मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस और उसका मीनिंग क्या है। तो ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। इसमें पहली टर्म है हिज प्लस स्टोरी। इसका मतलब कोई भी चीज़, पेन, टेलीफोन, ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है। तो गाइस, मैंने नीचे एक एग्जांपल ले रखा है जिसका है टेलीफोन। तो टेलीफोन की स्टोरी क्या है या फिर टेलीफोन की हिस्ट्री क्या है, एक ही बात है गाइस। देखिए गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टेलीफोन। टेलीफोन का क्या है, ग्राम बेल नाम के एक इन्वेंटर थे या एक इंसान थे। उन्होंने 1876 में एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइस बनाई यूएसए के अंदर, जिसका उन्होंने नाम दे दिया क्या, टेलीफोन। अब टेलीफोन के बारे में अपन को गाइस सब कुछ पता चल गया और आई होप सो गाइस कि मैंने आपको हीज प्लस स्टोरी जो वर्ड है उसका सिग्निफिकेंस या उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं अपनी सेकेंड टर्म की तरफ। सेकेंड टर्म गाइस अपने सामने लिखी हुई है लोरेंजो वाला। तो गाइस, लोरेंजो वाला कौन थे सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो लोरेंजो वाला थर्टीन सेंचुरी के अंदर आए एक रेनेसांस पीरियड के अंदर एक वो स्कॉलर हैं जिन्होंने हिस्ट्री के रिलेटेड एक डेफिनेशन दी। उनकी डेफिनेशन गाइस स्क्रीन पे लिखी हुई है सामने, स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स टू मैन टू स्ट्राइव फॉर अ लाइफ ऑफ परफेक्शन। तो गाइस का मतलब क्या है गाइस, कोई भी चीज़ जो हमें परफेक्शन की तरफ ले जाती है, परफेक्शन का मतलब क्या, हम अगर कोई काम आज ख़राब कर रहे हैं और वही काम आगे जाके अगर हम सही से कर पा रहे हैं तो वो गाइस हमारे लिए एक परफेक्शन है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं एक बच्चा होता है, वो शुरू में लिख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करता है वो क्या करता जाता है, अपने आप में परफेक्शन लाता जाता है और इम्प्रूव करता जाता है और उसी को हम बोलते हैं लाइफ ऑफ परफेक्शन, ठीक है गाइस। अगला जो टर्म है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मैंने हिंदी में मतलब जो होता है वो लिखा है इतिहास। तो गाइस, इतिहास का मतलब क्या होता है एक्चुअली, तो उसका मतलब होता है दस इट वॉज, वो ऐसा था कि। अब गाइस हम कोई भी अगर स्टोरी शुरू करें तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम क्या बोलते हैं, वो ऐसा था कि, फिर मैं वहाँ गया, ऐसा कुछ करके स्टोरी को शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस इसका मतलब है हम पास्ट की बात बता रहे हैं या किसी स्टोरी की बात बता रहे हैं। तो गाइस अब ये फर्स्ट टर्म से रिलेट कर पा रही है कि हीज स्टोरी। तो गाइस जो भी स्टोरी थी यहाँ पे, तो वो मैंने आपको बताई कि कोई भी स्टोरी थी, ठीक है, उसको कैसे क्या स्टोरी से रिलेट किए हिस्ट्री को मैंने बता दिया गाइस। अगले टर्म आपके सामने क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट। क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट क्या होता है गाइस, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है अपने लेक्चर्स के अंदर। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि टाइमलाइन के हिसाब से कि कैसे क्या एक बाय एक इंसिडेंट्स आते गए और कैसे क्या एक दूसरे पे इफेक्ट डालते गए अपनी स्टडी की, ठीक है गाइस। अगर आप देखें तो कुछ भी हो सकता है गाइस, किसी भी चीज़ को अपन क्रोनोलॉजिकल देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये क्रोनोलॉजिकल स्टडी अपन देखेंगे हमारी हिस्ट्री की जो एंशिएंट है जो हम अभी पढ़ने जाएंगे। तो गाइस उसके अंदर मैं आपको क्रोनोलॉजिकल के साथ ही पढ़ाऊँगा, टाइमलाइन के साथ ही पढ़ाऊँगा, ठीक है गाइस। आई होप सो यहाँ तक कि आपके चारों टर्म क्लियर हैं। एक बार मैं आपको इनका शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ। ही स्टोरी का मतलब है गाइस किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर स्टोरी, और किसी भी चीज़ की स्टोरी ही क्या होती है, उसकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। लोरेंजो वाला ने एक डेफिनेशन दी थी जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ क्या उसके परफेक्शन की तरफ लेके जाए उसको, वही हिस्ट्री है, ठीक है गाइस। तीसरा टर्म जो था वो उसका मैंने बताया आपको हिंदी में, उसको इतिहास बोलते हैं और उसको बोलते हैं दस इट वॉज, वो ऐसा था कि। कोई भी स्टोरी शुरू करने से पहले हम यही बोलते हैं कि गाइस वो ऐसा था कि, ठीक गाइस। जो फोर्थ जो टर्म है वो मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब कि पास्ट की हम स्टडी करें टाइमलाइन की मदद से, कि जैसे कि हम देखेंगे एंशंट के अंदर ऐसे 2600 BC के अंदर क्या आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम आगे जाके देखेंगे कि 1500 के पास जाते जाते हमारे पास क्या आ जाती है, वैदिकेज। वैदिकेज के बाद में 1000 BC तक आते आते क्या आ जाएगा, आयरन एज आ जाएगी, ठीक है गाइस। ऐसे हम देखते जाएंगे टाइमलाइन के हिसाब से क्या क्या इंसिडेंट्स नए नए आते गए, ठीक है। इसके बाद में जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है जैकब बर्कनहार्ट। अब जैकब बर्कनहार्ट कौन थे गाइस, जैकब बर्कनहार्ट भी एक
स्कॉलर थे जो कि रेनेसांस पीरियड के अंदर ही आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि उनके टीचर थे उनको कहते थे कि बच्चों हिस्ट्री जो है वो क्या है, एम्पायर, एम्परर और एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीन चीज़ों के ऊपर पूरी हिस्ट्री हो जाती है। तो गाइस उनका कहने का मतलब है सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है हिस्ट्री का, मतलब राजा, राजा के पॉलिसीज़ क्या क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट की और राजा का एम्पायर, बस यही होता है हिस्ट्री। लेकिन जैकम बर्कन हार्ट जो थे उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर कल्चर का भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल होता है कि कैसे कोई चीज़ इवोल्व हुई, कोई भी चीज़ कैसे क्या आगे डेवलप हुई, सिविलाइजेशन अगर बनी है तो वो कैसे बनी है, उसके साथ आर्ट एंड कल्चर उसका क्या आया है। तो गाइज इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए सबसे पहले जैकब बर्कन हार्ट ने ही कहा था, ठीक है गाइज। अब आगे गाइज आपके सामने कुछ लिखा हुआ है कि वॉट, वेयर, वाई, हाउ, वेन एंड हु। तो गाइज ये क्या है, तो गाइज मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये है सबसे पहले जैसे ही क्या, वोट का मतलब होता है जैसे ही टेलीफोन, अपन एक एग्जांपल कंसिडर करके चलते हैं, वोट क्या है, वो टेलीफोन है। वेयर, ये इन्वेंट कहाँ पे हुआ, यूएसए के अंदर। ये वाई, वाई क्या है गाइज, कि क्यों है ये, आया क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस है क्यों, इसका रीज़न क्या है आने का, ये है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है गाइज। हाउ, अभी आया कैसे, इसको एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके फिर लाया गया, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है गाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसके ऊपर, फिर जाके इसको सक्सेसफुली बनाया गया। हु, अब इसको लाया कौन गाइज, ग्राम बेल। अब इसको लाने का मतलब ये तो नहीं कहीं से लेके आए, इसको इन्वेंट किया गया, ठीक है गाइज। अब वैन, वैन का मतलब है गाइज कब लाया गया, 1876 में। अगर आपको कोई भी चीज़ है और उसकी हिस्ट्री जाननी है तो गाइस आप इन डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। वो डब्ल्यू एच वर्ड कौन से हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, ठीक है गाइस। अगर आप इन सब वर्ड्स को अगर याद रख लो और किसी भी चीज़ से अगर आप क्वेश्चन करो, ठीक है, तो गाइस उसके बारे में आ जाता है कि उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, ठीक गाइस। आई होप सो आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, और कल से अपने शुरू कर रहे हैं क्लास सिक्स की हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट। आई होप सो गाइज आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।